हिंदू धर्म में कुबेर देव को धन का राजा माना जाता है। ऐसे में लोग कई तरह से कुबेर देवता को प्रसन्न करने के मार्ग अपनाते हैं, जिससे उनके घर में कभी भी धन का भाव ना हो और कुबेर जी की कृपा बरसती रहे। ऐसे में अगर आप किसी भी पूजा पाठ के बाद कुबेर देव के इन तीन मंत्रों का जाप करते हैं तो जल्द ही आपकी दरिद्रता दूर होने लगती है और आपके घर में धन का वास भी बढ़ता है। साथ ही इन मंत्रों के प्रभाव से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और कर्ज से भी मुक्ति मिल जाती है। आगे का वीडियो देखने से पहले अगर आपने हमारा चैनल न्यूज नेशन श्रद्धा अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही कर लें। इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। कुबेर देव का अमोघ मंत्र। ओम यक्षाय कुबेराय वैष्णवाय धन धान्य अधिपतये धन धान्य समृद्धिम मे देहि दापय स्वाहा। मंत्र की विधि। इस मंत्र का जाप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके 108 बार करें। मंत्र का जाप करते समय धन लक्ष्मी कौड़ी को अपने पास जरूर रखें। मान्यता है कि इस मंत्र को बेल के पेड़ के नीचे बैठकर 1,00,000 बार जप करने से सभी आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त ये मंत्र कुबेर देवता का प्रिय माना जाता है। इस 35 अक्षरी मंत्र के ऋषि विश्रवाक हैं और छंद बृहती है। ऐसी मान्यता है कि यदि इस मंत्र का जाप 3 महीने तक लगातार किया जाए तो जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती। अष्टलक्ष्मी कुबेर मंत्र। ओम ह्रीम श्रीम क्रीम श्रीम कुबेराय अष्टलक्ष्मी मम गृहे धनम पुरय पुरय नमः। ये मंत्र माता लक्ष्मी और कुबेर देवता का मंत्र है। कहते हैं जो व्यक्ति इस मंत्र का सच्चे मन से जप करता है उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। इस मंत्र के जाप से जीवन में ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस मंत्र की साधना मुख्य रूप से शुक्रवार की रात को करना शुभ माना गया है। धन प्राप्ति हेतु कुबेर मंत्र। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र के जाप से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। ऐसे में अगर आप कुबेर देव के धन प्राप्ति मंत्र का नियमित जाप करते हैं तो आपको कभी भी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।